ये प्रैंक करने के बाद ना मुझे अच्छे खासे छितर पड़ने वाले हैं मामा से भी और पापा से भी। शिट 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 शिट, ये मैंने क्या कर दिया, मैं सिगरेट के ऊपर बैठ गई हूँ। शिट, मैं सिगरेट के ऊपर। ये मैंने ना कागज जला जला के ना घर में इतना आग लगा दिया ना। ये देखें जरा, बंदा पूछे मेरी अम्मी ने सोचना है कि ये सिगरेट पी रही थी कि पूरे घर में खिला रही थी। ये देखो इस तरह से बकरा वो इस तरह से तुमने पिया ही है। खैरियत के साथ होंगे, ठीक ठाक होंगे। तो सबसे पहले तो वेलकम बैक टू अ ब्रांड न्यू व्लॉग। आज के व्लॉग का सीन जो है ना वो बड़ा मजेदार है। आज मैं करने जा रही हूँ मामा और ज़िक्रिया के साथ एक बहुत ही मजेदार किस्म का प्रैंक। तो प्रैंक कुछ इस तरह का है जो कि करना तो चाहिए था असल में ज़िक्रिया को, लेकिन कर मैं रही हूँ। आप पहली दफ़ा सुन रहे होंगे कि ये प्रैंक कोई लड़की कर रही है। ये प्रैंक करने के बाद ना मुझे अच्छे खासे छितर पड़ने वाले हैं मामा से भी और पापा से भी। और लोगों ने तो वैसे ही बातें करनी है, वैसे लोग किसको बातें नहीं करते, लोगों का तो काम है बातें करना। अब लोग बातें नहीं करेंगे तो कौन करेगा। खैर अब प्रैंक बताती हूँ आप लोगों को क्या है। तो प्रैंक कुछ इस तरह से है कि मेरी ना आजकल चल रही हैं छुट्टियाँ, तो छुट्टियों में वैसे ही माँ बाप बहुत एग्जॉस्ट हो जाता है क्योंकि बच्चे पूरा दिन माँ बाप से लड़ते रहते हैं। तो मेरा भी कुछ यही सीन है, सुबह उठते साथ आजकल ना मेरी मामा से बहुत लड़ाई हो रही है छोटी 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 बातों पे। तो मैंने अब मामा को कुछ इस तरह का डराना है कि मैं बहुत डिप्रेशन में हूँ आजकल, मेरी आपसे बड़ी लड़ाई हो रही है। तो इस चीज़ से तंग आके, घर वालों से तंग आके और अपने आप से तंग आके ना मैंने सिगरेट पीना शुरू कर दिया। मैं आप लोगों को दिखाती हूँ, ये मैंने ना कुछ सिगरेट्स मंगवाए थे। अब ये मत पूछिएगा कि ये मैंने मंगवाए किस तरह। ये मैं ज़िक्रिया के साथ गई थी उधर अभी दोपहर के टाइम पे यूरोप, मैंने वहाँ से चुप करके ये जमा की और उसको पता भी नहीं चला कि मैंने ये सिगरेट्स लिए हैं। ये सिर्फ तीन ही मैं ख़रीद सकी हूँ, ठीक है ना। अब ये तीन सिगरेट्स हैं मेरे पास, पता नहीं अब ये पकड़ते भी किस तरह। अच्छा वैसे मैं सोच रही थी पता नहीं ये पी किस तरह से लेते हैं, जितनी सख्त नफरत है ना ये सिगरेट से और सिगरेट पीने वाले लोगों से कि आप सोच नहीं सकते। अच्छा मैं एक चीज़ जो मैं सोच रही थी ना, प्रैंक तो मैं इनके साथ कर लूँगी, लेकिन एक मेन मसला जो आ रहा है ना इसमें, यार ये लाइट कहाँ से चलती है, मेन मसला जो आ रहा है ना वो ये है कि हमारे घर में तो लाइटर ही नहीं है। अब मैं ये सिगरेट चलाऊँगी किस तरह, क्योंकि हमारा तो चूल्हा ही ऑटोमेटिक है तो चल ही इस तरह जाता है। तो ये गैस ही नहीं आ रही यार अभी, तो अब ये सिगरेट किस तरह से चलेगा यार, इसके लिए तो लाइटर चाहिए होगा। इसको तो दूर करो। तो खैर अभी मैंने इन लोगों के साथ करना है सिगरेट प्रैंक और अभी सिगरेट्स को ना वापस से छुपा देती हूँ। तो अभी मैंने बाहर बैठना और मैंने यही फील करवाना है कि मैं बाहर अकेली बैठी हुई हूँ और बाहर कोई भी नहीं है। और ज़िक्रिया अभी बाहर आएगा तो उसको यही फील होना चाहिए कि मतलब बाहर कोई भी नहीं है और मैं अकेली बैठी हुई हूँ। अभी मैं कैमरा वगैरह सेट करने की कोशिश करती हूँ, इधर सोफे के साथ लगा देती हूँ। जब मैंने आपको कहा थोड़ी देर के लिए अंदर बैठो तो आपको समझ में नहीं आ रहा, थोड़ी देर भी बंदा इस घर में अकेला नहीं रह सकता। ज़िक्रिया तुम अंदर नहीं जा सकते, थोड़ी देर भी बंदा घर में अकेला नहीं बैठ सकता। तो तुम्हारे बाप का घर है, तुम्हारे बाप का घर है, जिस तरह मर्जी बैठे तुम्हें क्या मसला है। जी पास का तुम्हारे लड़की की मान है, मुझे थोड़ा टाइम अकेले में चाहिए, प्लीज अंदर चले जाओ। भगवान ले जा पास ही नहीं भैया, वह क्या सीन है।
मेरा मुझे डिप्रेशन हो रहा है, मुझे समझ नहीं आ रही मैं क्या कर रही हूं। सर क्रोध जाए था अभी दो लाइए हैं जुआ लाए, अगर डिप्रेशन हो रहा तो आ जाएंगी क्या? प्लीज अंदर जाओ, प्लीज जाओ यहां से। कभी कभी दिल करता है या इस घर से भाग जाऊं या कोई नशे शुरू कर दूं। चलो निकल अंदर बाहर, वाकई कोई नशा करना शुरू कर दे। जा कर दे, रुक क्यों किसी ने, लेकिन अपने पैसों करो ताकि किसी को त्रास ना हो। छड़ के बाहर पखे च बैठा है मेनू पर ये बात है। तो अभी इन लोगों को थोड़ा बहुत तो मैंने कर दिया है, लेकिन अब थोड़ा सा और करते हैं। मैं फटाफट सिगरेट्स को इसमें से निकालती हूँ। ओह शिट, मैंने एक सिगरेट तो, ओह शिट सिगरेट्स टूट गए हैं। शिट 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 ये मैंने क्या कर दिया, शिट 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 ये मैंने क्या कर दिया, मैं सिगरेट्स के ऊपर बैठ गई हूँ। ओ भाई मारो मुझे, मारो मारो मुझे, मारो मारो। शिट मैं सिगरेट के ऊपर बैठ गई, व्लॉग बनाना था। रुको जरा, सबर करो। मामा आपने सुना था नहीं, बच्चे में सिगरेट है, उनको मैंने रोल कर लिया है, अब इन्हीं के साथ काम चलाना पड़ेगा। इसको मैंने अब रोल कर लिया, मैं इसको पकड़ती हूँ। मुझे प्लीज बताए जब सिगरेट टूट जाए तो उसका क्या किया जाए। मेरे यहाँ से टूटे हुए को भी चला के पैक है, इससे तो मेरा मुंह सर जाएगा, टूटा हुआ कैसा पीऊंगी। ये ना हो मुँह ही सर क्या जाए, या मुँह पटाखा बोला हो या फिर पैक बनाओ। मैंने सिगरेट चलाया, सिगरेट टूट गया, यहाँ पटाखा बोल गया और यहाँ मेरा अपना प्रैंक बन गया। बाद में पापा को फोन करूँ, पापा के होया कि सी कुड़ी सिगरेट पी रही थी, टूट गया, उन्हें चवल मार के फिर भी पीने की कोशिश की थी तो मुँह तो पटाखा बोल गया। समझ रहे हो, समझ रहे हो आप, समझ रहे हो। तो खैर कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। अब तो मैं ये खरीदने भी नहीं जा सकती, वहां जाके सुट्टे वाले को क्या कहो, सिगरेट दे दो, उसने चपेर मार के कहना है एडी सोनी कुरी सिगरेट खरीदने आ गई है। तो अरे कहना क्या चाहते हो। तो खैर अभी मैं ना इसको छुपाती हूँ, तो सिगरेट के पास जाती हूँ, उसको मुझे कहेगा कि इसमें क्या है, तो मैं उसको कहूंगी कि ना मुझे ना एक लाइटर चाहिए। तो अभी जाती हूँ अंदर। यार जिक्रिया व्लॉग स्टार्ट कर दिया है, और बताओ। अच्छा मुझे ना बाहर जाना था तुम्हारे साथ, हैं जिक्रिया, क्या मैं तुम्हारे साथ बाहर जाना था या मैंने लाइटर लेके आना है? बता, मैंने तुम्हें चाहिए लाइटर हैं? तुम्हें क्या चाहिए लाइटर? मुझे चाहिए लाइटर, कुछ चाहिए करना है मैंने। क्यों मुझे लाइटर नहीं चाहिए हो सकता? क्यों चाहिए तुम्हें लाइटर? बस मुझे चाहिए लाइटर। जिक्रिया कोई जरूरी काम है, मुझे लाइटर चाहिए, मुझे लाइटर चाहिए, मुझे मेरे साथ बाहर चलो। जिक्रिया मुझे लाइटर चाहिए, मेरे साथ बाहर चलो। जिक्रिया मेरी तबीयत खराब हो रही है, मुझे अर्जेंटली लाइटर चाहिए, प्लीज मेरे साथ चलो। लाइटर की चाहिए है? जिक्रिया मुझे लाइटर चाहिए। क्यों चाहिए? तुम्हारे पे पेट्रोल छिड़क के तुम्हें आग लगानी है। अभी का सीन ये है, मैं ये सोच रही हूँ कि यार अभी ना थोड़ा सा माहौल नहीं बन रहा, तो मैं अब ये सोच रही हूँ कि एक कमरे में ना थोड़ा सा धुआं करती हूँ पापा के कमरे में, और वहाँ पे ना अब अल्लाह ना करे कि पापा आ जाए, पापा को मुझ पे शक हो जाए, तो ना बाहर ड्राइंग रूम में कर लेती हूँ, कागज़ वगैरह फाड़ के ना
थोड़ा सा धुआं करती हूँ, एक कटोरी लेके उसके अंदर कागज फाड़ के रखती हूँ कैसे लगे मैंने सिगरेट पिया हुआ है, और पूरा माहौल बनाती हूँ इस तरह का, और फिर जिक्रिया को प्रॉपर और जिक्रिया मम्मा को शक होगा कि मैं सिगरेट पी रही हूँ। अभी मैं आपको एक बड़ा मजे का सीन दिखाती हूँ, अभी मैं अगर ये मैं व्लॉग स्टार्ट स्टार शूट करती ना तो मैंने पक्का जल जाना था, अभी मैं ऑलमोस्ट इस घर को आग लगाने लगी थी। तो अभी मैंने पता क्या किया, ये देखें ज़रा, ये मैंने ना कागज़ जला जला के ना घर में इतना आग लगा दिया ना, ये देखें ज़रा। बंदा पूछे मेरी अम्मी ने सोचना है कि ये सिगरेट पी रही थी कि पूरे घर में खिला रही थी, ये देखे मैंने कितना नीचे गंद डाल दिया। सबसे पहले तो मेरी अम्मा को जब पता चल रहा है ना कि ये प्रैंक था, तो मुझे छितर इस चीज़ के नहीं पड़ने कि सिगरेट प्रैंक था, छितर इस चीज़ के पड़ने हैं कि घर में इतना कचरा कर दिया। ये रहे सिगरेट्स, इसमें से एक सिगरेट के ऊपर मैं बैठ गई थी, ये देखो ज़रा, मुझे उसका इतना दुख हो रहा, मेरे पैसे ज़ाया हो गए हैं। ये रहा लाइटर, ये लाइटर चलेगा कैसे, ये तो लाइटर ही नहीं चल रहा, तो लाइटर ही नहीं चल रहा यार, शिट, इसके अंदर तो गैस ही नहीं है, तो नया प्रैंक हो गया। खैर मैंने तो खैर ये मैंने सारा कुछ कर लिया, अब बस इन लोगों को बुलाना है और पूरा सीन बनाना है। ये एक सिगरेट पकड़ लेते हैं, इसको इधर रख लेते हैं, पूरे अपने स्टाइल में टेबल आगे करके ऐसे बैठना है। अब कैमरा सेट कर लेती हूँ, ये ऐसे सिगरेट ऐसे करके बैठना और ऐसे, वो शिट पकड़ना कैसे था यार, ये लाइटर चलना चाहिए। अब इसको सेट करते हैं, कैमरा फाइनली मैंने सारे सिगरेट्स जला दिए हैं और सारे सिगरेट्स जलने लग गए हैं, और अब मैंने इन सबको अंदर से बुलाना है। ये देखें इन सब में से धूम, पता नहीं इनको पकड़ते किस तरह है। फ्लॉ पता नहीं इसमें से धुआं निकल रहा है, और अब इन सबको मैं सोच रही हूँ मेरे हाथ ना जल जाएं, लेकिन अभी फिलहाल पता नहीं लोग इसको पी किस तरह से लेते हैं, और अभी फिलहाल इसको मैंने इसको इस तरह से पकड़ा, वो इस तरह से मेरे मुंह पे चढ़ रही है ना। अभी फिलहाल कैमरे को इधर सेट करती हूँ और मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। ये देखिए एक मैंने तोड़ के इसके अंदर फेंक दिया है, एक मैंने इधर ही खुला छोड़ दिया है, ये इसके अंदर इस तरह से रख दिया है, इसको इधर रख दिया है, और अब कैमरे को इधर सेट कर देती हूँ। अभी मामा को ना अब बाहर आवाज़ देती हूँ, मामा बाहर आती हैं। तो कह रहे काम शुरू कर देते हैं, क्या काम शुरू किया था? तुमने पिया ही है? मम्मा को ना बता, तुमने पिया ही है? अंदर जाओ, पागल हो? अंदर जाओ, पागल हो? अंदर जाओ, तुम पागल हो? अंदर जाओ। सर तुम्हें गाँव में किसने लगाया? मेरे पूरे खानदान में काम नहीं कर रहा हूँ, इन गाँव में किसने लगाया? अंदर जाओ। सर आपके इन गाँव में किसने लगाया? अंदर जाओ, बकवास कर रही हो। नजर लाएगी तुम? जिक्रिया अंदर जाओ, मैं तुम्हारा मुंह तोड़ देने। इधर आओ, बाहर आके देखो आपकी बेटी क्या कर रही है, नवे काम खा लेते ने। नहीं बोला जाता कहा थी, नशे कर रही है, बाहर आके देखो कहा थे, नशे नशे शुरू हो गए ने। क्या कर रही हो?
ये तो देख के मैं बोल रहा हूँ, दो पी चुकी है, पहले तीसरा पी रही है। देखो डब्बे में से एक और निकाल के ला, मम्मा को चिल्ला के दू। रुको जरा, सबर करो, छोड़ो अभी और पीना है। मैं पिलाती हूँ, अभी मैंने और पीना है, मुझे दो ना। ये छींके ना मारो, एक कश लगा के देखो, बहुत मजे का है। एक कश तो लगाओ, मैं लगाती हूँ, एक कश लगाओ। ये लो मैं चिल्लाती हूँ, हमारे पूरे खानदान में ये काम कोई नहीं करता। चिल्लाओ, एक कश लगाओ, लगाओ। मैं लगाती हूँ, गैर तो हंस रही है। सोच रहे तेरी डिप्रेशन हो रहा है, डिप्रेशन तेरे दिमाग में कर देती है सोने दिया। कदा डिप्रेशन हो रहा सी तानू, हैंगर फड़ावे अंदर मन मर रहा है। मान लो के मुंह पे ये तमीज ऐसा करने वाली घर में का क्या क्या कर रही है। कदी चीका मारनी पिए नी जिस घर में डिप्रेशन। अब पागल हो गए ना, करो बाहर कुछ सरते जा रहे एक चुगियां छे। मैं क्या करूं इस घर में, की करना इस घर में, नशे कर रहे पुटीना के सिगरेट भी। मैं इस घर में क्या करूं और हैं, और क्या करूं इस घर में के तेन चाहिए कि इस घर दे हैं तो आप और मेरे बारे में कुछ सोच रही हो। समझ रहे हो, समझ रहे हो आप, समझ रहे हो की सोचे थानू की सोचा तेरे बारे च। कुछ भी नहीं सोच रही, इसलिए मैं ये करने लग गई हूं। की सोचे थानू, करेले बना के खवा दई तेरे मुंह सहर चुपेना ना खा ली ऐसी। बड़े सीरियस है आप मेरे बारे में, कुछ नहीं सोच रही इसलिए मैं ये सब कर रही हूं। मुझसे प्यार ही नहीं करता अभी। ओ सब लो मामा, और पिया पर पिया पीना, तमाशे कर रही है रोज की दो डब्बियां पी रही हूं मैं। तेरे पैसे रोज तो आनी है, काले होते पे ने। इसके बगैर मुझे वो भी नहीं आता। की नहीं आता अगू अगना? हाँ। छोड़ी बच्ची हो क्या, ये पक्की बन गई है, पक्की ने सही बन गई है। आपने इस पे बोर्ड नहीं देना, मेरा ख्याल से आपको नहीं समझ आ रही है। सारी जिंदगी तुसी यार हैबिट हो गया कुली। अभी मैंने ये छोड़ दिया तो मैं मर जाऊंगी। कोई गाल नहीं, छोड़ दे तू, मर जा, मैं भी सन तेरी जरूरत नहीं है। मामा क्या करना है मेरे बारे में, मामा की मां नु नाल भी आगे तो दो कश होल माने ने। मामा बताओ क्या करना है, मामा मेरा इलाज करवाओ। चंडे मैं हग ले क्या, मैं फिर से पीऊंगी। ये 100 रुपया लाल कर दो, 100 रुपये के अंग्रेज के ऊपर तोड़ दो, पकड़ लो।
मामा अच्छा 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 पी एन अच्छा एंड पी पी मेरे सामने पी पी मेरे सामने पी पी क्या खा रहा तू पी नहीं है क्या ड्रामे का आदमी नहीं है मैं सब मामा एक मामा छोड़ मामा एक मिनट मामा मामा मर जा मामा मेरी बात मामा मामा इधर मेरी बात सुन ले कि कुत्ता भौंक रहा है उसकी बात सुन ले भौंक खर्चा बदला है आपकी है गुलाब गंदी निकल आई है तरबियत गंदी नहीं है आपकी मेरी तरबियत देखो उसकी तरबियत देखो तरबियत अच्छी मेरी तरबियत में फर्क एक सिगरेट ही तो पिया क्या हो गया यार मामा ये प्रैंक था छोड़ दे मुझे सिगरेट धोते के पीछे से कैमरा पकड़ के ला कुछ कर रही है अच्छा मामा अच्छा प्रैंक था आज नहीं मैं अपने आप छोड़ दूँ अच्छा वो देखो सिगरेट कैमरा पकड़ के ला इधर है ऐप है वो देखो छोड़ दे वो देखे वो देखो प्रैंक था ऐप 6 मिनट का व्लॉग बन रहे हैं इधर मैं वो देखे कोई कैमरा सो गाइस फाइनली ये व्लॉग बहुत ज्यादा ओवर हो गया मामा वो देखो पागल है अब प्रैंक सी है पागल है तू मेरा प्रैंक सी सिगरेट वाला अग लगा देते नानो की कसम ना मारना प्लीज हर बात में नानो की कसम मुझे नहीं पता था कि ये प्रैंक है तो मम्मा को मनाने जा रही है शहर अभी तो इसी के साथ ब्लॉग को लगाता है फुल स्टॉप अगर आपको हमारा आज का ब्लॉग पसंद आया बहुत ही टट्टी किस्म का ब्लॉग था ये प्रैंक नहीं करना चाहिए बच्चों डोंट ट्राई दिस एट होम तो इसी के साथ ब्लॉग को एंड करते हैं क्यों हो रहे हैं प्लीज माफ कर दे। इसका ड्रामा चालू लेगा अगर आपको हमारा आज का ब्लॉग पसंद है प्लीज लाइक कर सब्सक्राइब करें एंड गिव व्हाट यू गाइस फॉर अमेजिंग चैनल ओनली ऑन ZS ब्लॉग्स।